हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आप सब कैसे हो? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। और अभी टाइम हो रहा है शाम का 4:30 और आज का डेट है 16 जनवरी। तो अभी हम सब निकल के जा रहे हैं, हम सब मतलब मैं, भाई, भाभी, प्राची और कुकू सब जा रहे हैं FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप देखने के लिए। तो चलिए, तो आज की टिकट में 2 मैच हो रहा है, मतलब 2 मैच हम लोग देख सकते हैं। पहला मैच तो फ्रांस वर्सेस साउथ अफ्रीका जो 5 बजे शुरू होगा, और सेकेंड मैच जो है अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो कि 7 बजे शुरू होगा। तो चलिए, हम लोग तो अभी लेट चल रहे हैं, लास्ट तक मेरी वीडियो पे बने रहे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए चलते हैं आज मैच देखने के लिए। गाइस, कलिंगा स्टेडियम के अंदर एंटर करने के बाद सबको एक ही जगह अट्रैक्शन करता है, मतलब एक ही जगह पे सब लोग आकर पहले घूमकर जा रहे हैं। तो वो है ऑलिस लैंड, हॉकी की मास्कट का नाम है ऑलिस। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक ऑलिस लैंड बनाया गया है जहाँ पर ये आप देख सकते हो तरह तरह के सेल्फीज पॉइंट बनाया गया है और ये जगह सबको पसंद आता है। तो पहले हम भी यहाँ पर आ गए हैं, ऑलरेडी तो 5 बज भी गया है और मैच भी शुरू हो गया है। तो हमारे साथ 2 बच्चे भी है, तो मैं सोची कि पहले इस जगह को हम लोग घूम कर जाएंगे, फिर बाद में हमें खेल मतलब मैच खत्म होने के बाद हमें फिर टाइम होगा या फिर नहीं होगा, तो पहले इस जगह पर हम लोग घूमकर फिर जाएंगे मैच देखने के लिए। I like them. I like them.
पेपरिका एक क्वार्टर ब्रेक पेनाल्टी शूट में फ्रांस का स्कोर हो गया 2 और साउथ अफ्रीका हो गया 1। फ्रांस टीवी भी फोटो शूट होना अभी कुछ ही देर के बाद अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच शुरू होने वाला है। Yeah!
सो गाइस, खेल ख़त्म नहीं हुआ था लेकिन हम लोग बीच में से उठ के आ गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 8 o'clock। तो दोनों साथ में हमारे बच्चे गए थे, हम लोग तो एंजॉय कर रहे थे लेकिन बच्चे कुछ देर बैठने के बाद बोरिंग होते तो और मतलब खेल एंड होने तक उन दोनों का बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं था। प्राची तो बीच में रोने भी लगी, तो हम लोग उठ कर अभी आ गए हैं और अभी हम सीधा निकल के जा रहे हैं घर। स्टेडियम की अंदर की तरफ, स्टेडियम की बाहर की तरफ इतना सुंदर सजाया है कि मन नहीं कर रहा है कि कैमरा मैं ऑफ कर लूँ। तो गाइस, आते ही मैं यहाँ पर फटाफट डिनर बनाने में लग गई हूँ। तो बना रही हूँ आज मैं फूलगोभी और आलू की करी और यहाँ पर बैंगन के इस तरह का गोल गोल मैंने काट के फ्राई कर देना है और मैं रोटी खा लूँगी और ये हमारे से अच्छी तरह राइस भी खाएंगे। तो चलिए, मैं अभी के लिए मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। एंड आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। So thanks for watching my channel. Stay safe, stay healthy and bye-bye.